बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं खुशकम अलहमदुल्ला, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। सबसे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द ईद की खुशियों को इंजॉय नहीं कर सकते, उनको लाजमी याद रखिएगा। अभी गाइस तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं ईद की जमात खड़ी होने में, अभी जाएंगे मस्जिद में, तो इंशाल्लाह फिर आके आपसे मुलाकात होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं जी नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, सारे ईद मुबारक। अल्लाह ईद पढ़ के आए, सबसे पहले हमें खीर और पुड़ियाँ मिलेंगी, ये जल्दी से खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। घर वालों ने कोई न्यू चीज़ ट्राई की है, इसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत मज़े की है, मैंने ट्राई कर ली है। अभी फिर मरवा भी ईद मुबारक जा रहा हूँ। हमारे रिलेटिव, हमारे ख़ास बंदे हैं जो, उनसे मिलने में जा रहा हूँ। आपको जाके बताता हूँ कि हमारे घर के ख़ास बंदे कौन हैं जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। गाइस हमारे ख़ास बंदे हैं जो, जिनके पास आना ज़रूरी है। वैसे तो जो ज़िंदा लोग हैं उनसे भी मिलना ज़रूरी है, लेकिन ये बंदे जो हैं ईद पे या वैसे भी कोई चीज़ हो उस पर मिलना ज़रूरी है। हमने फतेहानी कह ली है, उन्हें ख़ास मतलब को मिल रही है, तो अब चलते हैं घर। तो रात को मैं बहुत, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर रेस्ट करके उठ के फिर आपसे मिलेंगे। गाइस मैं उठ चुका हूँ, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोया था, उसकी वजह से मेरा सारा इतना भारी हुआ था कि कुछ भी खाने को या बैठने को दिल नहीं कर रहा था। थोड़े मेहमान आए थे मुबारक देने, पर थोड़ी देर बैठा फिर मैं सो गया था। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो बाहर मौसम बहुत ही कमाल का हुआ है, माशाल्लाह। तो काफ़ी दिन पहले का मुझे पता है कि ईद के तीनों दिन इसी तरह ही मौसम ठंडा बना रहेगा, तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे अपने दादी माँ के घर, उधर थोड़ा बैठेंगे, ईद मुबारक कह के आएँगे, तो आपको भी साथ रखेंगे। तो जैसे जैसे रूटीन ईद की मेरी चलेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ईद मेरी इसी तरह गुजरती है, हम दूसरे या तीसरे दिन कहीं बाहर आउटिंग पे या दोस्तों वगैरह के घर जाते हैं। पहला दिन हमारा ज़्यादातर घर में ही गुजरता है, मेहमान शान आ जाते हैं तो उनसे मिलना शिलना होता है, तो ज़्यादा बाहर नहीं हम निकलते पहले दिन। दूसरे तीसरे दिन, कल हमारा एक व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हमने अपनी पूरी फैमिली की दावत की है ईद के दूसरे दिन। मेरे ननियाल वालों ने भी आना है और मेरे फुफुआ ने भी आना है, तो जो गाँव में भी हैं उनको भी हमने बुलाया हुआ है, तो इंशाल्लाह हमने पूरा अरेंज किया हुआ है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे कल का व्लॉग भी। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी दादी माँ के घर उनसे मिलने। गाइस मेरी दादी माँ का घर है, तो मैं मिलने आया हूँ अपनी दादी माँ को। ये गाइस माशाल्लाह हमारी दादी माँ ने भी बिल्ली रखी हुई है, सेम टू सेम लिली जैसी है। तो अभी जा रहे हैं हम बाहर लॉन की तरफ, उधर आपको मैं दिखाता हूँ हमारी दादी माँ का भी लॉन जो है वो कैसा नजर आता है, ये चेक करें जी। इन्होंने भी ये न्यू घास लगाया है माशाल्लाह, लगाया है ये गाइस माशाल्लाह। ये आम का जो बूर है ये बहुत ज्यादा लगा होगा इसके ऊपर फल, तो इंशाल्लाह जब सही गर्मी आएगी इसके ऊपर आम लग जाएंगे, तो ये काफी मीठा फल है इसका। इस फालसे का पौधा है माशाल्लाह, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा फल लगा हुआ है, तो ये भी गर्मी में ही
पकता है तो इसके ऊपर ये चेक करें कितना फल लगा हुआ। ये फल से क्या, ये अमरूद क्या, ये जो काले वाले मलोक होते हैं ये उसका पौधा है, ये वाली है काली मिर्च, ये ब्लैक पेपर का पौधा है, ये पहले उस साइड पे लगा हुआ था इस साइड पे, तो इधर से निकाल के इधर लगा दिया, इसके ऊपर भी फल लगता है बहुत ज्यादा। ये अपने गांव में ही अपने रिश्तेदारों के घर ही घूमना फिरना, बस उसके अलावा कोई नहीं है। पहला दिन हमारा इसी तरह गुजरता है और हम कहीं भी नहीं जाते, इधर ही रहते हैं, अपने इर्द गिर्द जो रिश्तेदार है उनके घर जाना, उनसे मिलना छिलना, बस और कुछ भी नहीं। तस्बीह का ये दाने, इसका ये पौधा है, इसके ऊपर तस्बीह के दाने लगते हैं माशाल्लाह। ये देखें अल्लाह की कुदरत, ये कुदरती तौर पर ये तस्बीह के दाने बने हुए हैं माशाल्लाह। ये आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, ये देख कर, ये लगा हुआ, वो नीचे लगा हुआ है माशाल्लाह। हमारे मेहमान नवाजी हो रही है, बोतल और साथ चाट अभी खाएंगे फिर घर चलेंगे। ये आए हैं, वो सारा दिन नहीं आए, अभी आए हैं तो मैं इनको देने लगा हूँ। इदी ये है जी 1000 रुपया, मीरब बड़ी है इसलिए मीरब को मिलेगा 1000 रुपया, और ये है जी 500, ये मिलेगा आकाश को, ये आकाश की थी। सही है, खुश हो? ओके जी। हमारा ईद का फर्स्ट दिन गुजर गया, कुछ सो के, कुछ थोड़े बहुत काम करके, कुछ एक दूसरे को मिलके आज का दिन गुजर गया। इंशाल्लाह जी कल हमारे घर में आने हैं काफ़ी ज़्यादा गेस्ट, उनकी कल हमने दावत रखी हुई है इंशाल्लाह। और मौसम भी कमाल का, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो गया है, क्योंकि अभी आपको तो ऊपर से आसमान नहीं नज़र आएगा, बादल गरज रहे, और इंशाल्लाह क्या पता रात तक ब्रश आ जाए, तो इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉयमेंट होगी सुबह। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा अपनी वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।